है, ये दिल्ली से हैं और इनकी खरीद है टाटा मोटर्स में। 80 शेयर्स इन्होंने 431 के भाव पर लिया हुआ है और हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं ऑटो शेयर भी काफ़ी ज़्यादा टूटे हैं इस बीच। टाटा मोटर्स में भी गिरावट देखी गई है, आज भी 3% नीचे और पिछले एक आध हफ्ते में करीब 8-9% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। दिलेश, आपका क्या व्यू बन रहा है, क्या लेवल्स वॉच कर रहे हैं टाटा मोटर्स में? हाँ देखिए पूजा जी, थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर वीक नजर आ रहा है। ओवरऑल जो वीकनेस है वो यहाँ से कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। 383 के आसपास अभी स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। निचले स्तरों पर 375 तक का फॉल इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकता है। जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है वो है लगभग 365 से 370 के जोन में, तो वो लेवल अगर ब्रीच होते हैं तब वहां पे और बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए जिनके पास लॉन्ग पोजिशन है 367 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अगर कोई पुल बैक आता है तो वहां पे एक बार के लिए मुनाफा बांध ले या एक बार के लिए एग्जिट करें तो बेटर होगा। ठीक है, टाटा मोटर्स को लेकर ये भी काफ़ी ज़्यादा आज इंटेंस सेलिंग हो रही है शेयर में। आप देखिए 3% के आसपास की गिरावट है और 383 रुपये का आपको भाव दिखेगा। काफ़ी लंबे समय तक ये शेयर 400 से सवा 400 वाली रेंज में ट्रेड करता रहा, लेकिन जो ही कोविड को लेकर भय बढ़ा है, बाजार में कोशिशें हो रही हैं, ऐसे बयान भी आ रहे हैं कि पैनिक ना फैले, बावजूद इसके लोगों का उतना भरोसा नहीं हो पा रहा है और बाजार के साथ साथ तमाम स्टॉक्स टूट रहे हैं और वो साफ साफ दिख भी रहा है।